ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति ही की लाइव कक्षा संख्या 269 को पढ़ने जा रहे हैं। 269 268 कक्षाओं को मैंने आपको पढ़ा दिया है। सभी कक्षाएं प्लेलिस्ट में अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के कॉलम बना करके आपके लिए उपलब्ध करा दी गई है। पूर्णतः सभी के लिए निशुल्क यह संस्कृत शिक्षण है। कोई भी पाठक देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं। आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आप कौन हैं, आप कहां से हैं, आप क्या करते हैं, आप कोई पहचान हम नहीं पूछते हैं। आपको पढ़ना है संस्कृत व्याकरण अथवा संस्कृत भाषा को, तो आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पढ़िए। मित्रों, एक अध्याय पूर्ण हो चुका है। अष्टाध्यायी का पूरा एक अध्याय हमने पढ़ लिया, 4 पाद पढ़ लिए। पिछली कक्षा में मैंने आपको चतुर्थ पाद का अंतिम सूत्र पढ़ा दिया था और मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो अगली कक्षा, जो आज की कक्षा है, यह इस कक्षा में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हम पूरे चौथे पाद के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा उसका सिंहावलोकन करें। जिस प्रकार से शेर आगे चलता जाता है और पीछे भी देखता जाता है, फिर आगे चलता जाता है, पीछे देखता जाता है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, और आगे भी चलता जाता है, ठीक इसी प्रकार से हम सभी पाठक भी आगे पढ़ेंगे और पीछे जो पढ़ा है उसको भी अवलोकन करते रहेंगे। इसी न्याय को क्या कहा गया है, सिंहावलोकन न्याय। तो आज की जो कक्षा होगी, हम पूरा प्रयास करते हैं कि एक कक्षा में ये पूरा पाद को हम सिंहावलोकन करा दें। यदि एक कक्षा में नहीं होता है तो अगली इसकी सेकंड कक्षा और बना देंगे, तो कक्षाओं में इसका पूरा सिंहावलोकन हो जाएगा और आप आसानी से 2 कक्षाओं में जो पीछे आपने पढ़ा है उसको समझ लेंगे। जब भी कभी आपको आवश्यकता होगी तो आप इन 2 वीडियो को देख लीजिए। फिर इस पाद के सिंहावलोकन करने के बाद हम जो पीछे हमने आपको 3 पाद पढ़ाए हैं उनका सिंहावलोकन कराएंगे। फिर आपके पूरे अध्याय की परीक्षा होगी, फिर आपका उत्तर पत्र आपको मिल जाएगा, फिर आप परीक्षा देंगे, उत्तर पत्र से अपने प्रश्न
मुख्य समाधान को मिलान करेंगे और प्राप्त अंकों को हमें सूचित करेंगे। फिर इसके बाद में आपका दूसरा अध्याय आरंभ होगा। परीक्षा के लिए प्रत्येक पाठक को लगभग 10 दिन का समय दिया जाता है। ये पाठकों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने समय में परीक्षा देंगे। 10 दिन ये आपके ऊपर, हम 10 दिन का समय रखते हैं, 10 दिन बाद हमारी कक्षा आरंभ हो जाती है। परंतु ये कोर्स ऑनलाइन बना रहे हैं तो ये आगे सभी को एक बार में ही उपलब्ध होगा। तो पाठक अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा अवश्य देते रहे, अपने पढ़े हुए का परीक्षण करते रहें, अवलोकन करते रहें कि आपको कितना समझ में आया, कितने प्रतिशत आप सीख पा रहे हैं, और कोशिश करें फिर आगे के लिए। चलिएगा, अब कक्षा का आरंभ करते हैं। मित्रों, इस कक्षा के माध्यम से 100,000 संस्कृत व्याकरण के विद्वानों को और विदुषियों को तैयार हमें करना है, इसलिए चला रहे हैं। और मित्रों, इस अभियान को चलाने के लिए आपको निरंतर हमें आर्थिक सहयोग चाहिए होता है। आप अपनी श्रद्धा निष्ठा से जो भी कुछ बन पड़े इस देववाणी संस्कृतम के इस महान यज्ञ में प्रति मास अपनी आहुति देते रहे। ये अकाउंट नंबर दिया गया है, इसी अकाउंट से सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। वर्तमान में आप अपना सहयोग बिना पूछे कहे अपने तरफ से, जी हम विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो विद्या का यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ को निरंतर चलाने के लिए हम भी थोड़ी सी इसमें अपनी आहुति डालें, श्रद्धा से निष्ठा से। चलिएगा, आइएगा, ये है हमारा चतुर्थ अध्याय का प्रथम, पहले अध्याय के चतुर्थ पाद का आरंभ। ठीक है, चतुर्थ पाद। इसका जो पहला सूत्र हमने पढ़ा था वह था आ कडारादि का संज्ञा। इसने ये कहा था, इस सूत्र ये कहता है कि आ कडारा देका संज्ञा अर्थात कडारा कर्मधारये, ये दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 38वां सूत्र है, आगे जो पढ़ेंगे। यहां तक एक शब्द की जो आगे संज्ञाएं कही जाएंगी तो वो एक समय में एक ही होगी, दो एक बार में नहीं होगी, अर्थात एक समय में एक शब्द की दो संज्ञाएं नहीं हो सकती हैं। ये क्या है, अधिकार सूत्र है। ठीक है, ये अधिकार आएगा, अधिकार चलेगा यहां तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सूत्र कहता है कि आगे एक शब्द की एक समय में दो संज्ञाएं नहीं होंगी। जहां कहीं एक शब्द की दो संज्ञाएं एक समय में करनी है वहां पर प्रयत्न विशेष किया जाएगा। ठीक है, सामान्यतः एक शब्द की एक समय में एक ही संज्ञा जाननी चाहिए, ऐसा अधिकार यह हुआ। चलिए, ये हुआ उदाहरण, इसके बहुत सारे थे, वो सिद्धियां हमने कराई हैं, वहां देखिएगा। दूसरा सूत्र था हमारा विप्रतिषेधे परम कार्य। विप्रतिषेधे माने इस अष्टाध्यायी शास्त्र के अंदर जब दो बलवान सूत्र माने समान बल वाले, समान बल वाले का अर्थ होता है सावकाश सूत्र, माने जिन सूत्रों ने कई भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्य कर दिया है, परंतु एक स्थान ऐसा आ रहा है जहां पर दोनों सूत्र एक साथ लग रहे, तो उन दोनों सूत्रों में से कौन सा लगना चाहिए अथवा दोनों लगने चाहिए, क्या व्यवस्था, इस व्यवस्था को पूरे शास्त्र में ये सूत्र बनाता है और कहता है कि जो अष्टाध्यायी के सूत्र क्रम में पढ़े गए हैं, जब दो सूत्र बराबर बल वाले तुल्य वाले सावकाश एक साथ लगने लगे हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि सवा सात अध्याय के अंदर, पहले देखना चाहिए सवा सात अध्याय के अंदर, सवा सात माने सात अध्याय एक पाद के अंदर, माने सात अध्याय और आठवें अध्याय का पहला पाद, इनके अंदर जो सूत्र क्रम में बाद में आ रहा है, जो उन दो सूत्रों में से जो सूत्र अष्टाध्यायी क्रम में बाद में आ रहा है वो सूत्र पहले लगेगा,
और जो पहले आ रहा है क्रम में वो बाद में लगे तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, विरोध होने पर अष्टाध्यायी क्रम में सवा सात अध्याय में से बाद वाला सूत्र होता है, ये नियम दिया। और जो आठ अध्याय के तीन पाद बच गए, उन तीन पादों में, तीन पाद के जो सूत्र है उस क्रम में भी वो, उनमें भी बाद वाला ही सूत्र, तीन पाद के अंदर दो सूत्र बलवान आ गए एक साथ लगने लगे, तो उन उन सूत्रों में तीन पाद में हमको देखना होगा कि तीन पाद के अंदर कौन सा सूत्र पहले है कौन सा बाद में है। तो बाद वाला सूत्र अधिक बलवान होगा, अर्थात वो पहले कार्य करेगा। ठीक है, ये व्यवस्था ये सूत्र देता है। ये कैसा सूत्र है? ये परिभाषा सूत्र है। ये नियम बनाता है, व्यवस्था बनाता है। जहां अव्यवस्था पैदा होती है वहां पर ये व्यवस्था बनाता है। चलिएगा, उदाहरण बहुत सारे हमने आपको सिद्धियां करा दी हैं, आप वहां देखिएगा। अब है आगे, अब आ रहा है संज्ञा प्रकरण, संज्ञा सूत्र। यू स्त्रियाख्यऊ नदी, ये नदी संज्ञा है व्याकरण के अंदर, नदी नाम रखा गया है। नदी अर्थात ये जो रिवर का नाम नदी नहीं है यहाँ पर, नदी ये संज्ञा है महर्षि पाणिनि की। किस प्रकार के शब्दों की संज्ञा है? ये संज्ञा है आपकी जो दीर्घ ईकारांत और उकारांत, क्या दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत जो स्त्री लिंगवाची जो शब्द है, है? उनकी नदी संज्ञा होती है, परंतु स्त्री शब्द को छोड़ करके, क्या स्त्री शब्द को छोड़ करके, स्त्री शब्द नहीं आएगा इसमें। ठीक है ना, इसमें नहीं, इसमें तो स्त्री आ जाएगा, कोई परेशान स्त्री की बात नहीं है इसमें। ठीक है, वो आगे आएगा। ये इसमें तो दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत जो स्त्री लिंगवाची शब्द है उनकी मात्र नदी संज्ञा कही है, इसमें स्त्री शब्द की कोई बात नहीं है। आइएगा आगे, इसने नदी संज्ञा कर दी। ठीक है, जो भी होंगे। अब इसका ये अपवाद सूत्र है, आगे निषेध सूत्र, माने अपवाद निषेध सूत्र है। निषेध सूत्र है नेयो वंगास्थाना वस्त्री। ये कहता है कि ऊपर वाले सूत्र में जो दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत स्त्री आख्या वाले जो शब्द हैं जिनकी नदी संज्ञा की है, यदि वो दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द स्त्रीलिंगवाची ऐसे हैं, उन जिनको कहीं पर यंग हो जाता है उवंग हो जाता है, तो उनकी नदी संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, उनकी नदी संज्ञा नहीं होती है, परंतु यहां पर स्त्री शब्द है, स्त्री शब्द को यंग हो जाता है तो इसकी तो नदी संज्ञा हो ही जाती है। सरल, आप समझ गए होंगे, जिन्होंने बढ़ाया वो समझेंगे। अतः दीर्घ ईकारांत और उकारांत जिनको कहीं यंग और उवंग आदेश होता है तो उनकी नदी संज्ञा नहीं होती है, परंतु स्त्री शब्द है स्त्रीलिंगवाची उसको यंग होता है तो भी उसकी तो नदी संज्ञा हो जाती है। ये निषेध सूत्र हो गया। आइएगा आगे है वामी। वामी, वामी कहता है जो आम प्रत्यय है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का जो आम प्रत्यय है, कि जो ऊपर हमने निषेध किया है कि दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत जो स्त्रीलिंगवाची शब्द स्त्री शब्द को छोड़कर के उनकी जो इयंग स्थानीय और उवंग स्थानीय है उनकी नदी संज्ञा नहीं होती है, परंतु जो आम प्रत्यय होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय होगा उसके परे रहते तो विकल्प से नदी संज्ञा हो जाती है, अर्थात एक बार हो जाएगी एक बार नहीं होगी। चलिएगा, ये उदाहरण दिखा दिए थे यहां पर। आइएगा आगे, आगे है नीति ह्रस्वश्च। नीति ह्रस्वश्च कहता है कि गित प्रत्यय की परे रहती है, गित का अर्थ है जो सुप के अंदर गित है, उन प्रत्यय के परे रहते माने आपका ने है नसी है नस है, ठीक है नी है, इन प्रत्ययों के परे रहते क्या है
ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जो स्त्रीलिंगवाची शब्द है, क्या ये ह्रस्व इकारांत और उकारांत ठीक है? यंग वंग स्थानी स्त्रियाख्य ठीक है, ईकारांत उकारांत च शब्द और क्या है ये दीर्घ ईकारांत और उकारांत यंग वंग स्थानी स्त्री लिंगवाची शब्द हैं, ठीक है? उनको क्या हो जाती है, कहते हैं नित प्रत्यय के परे रहते विकल्प से नदी संज्ञा होती है। अब समझ में आ गया होगा आपको क्या कि ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जो स्त्रीलिंगवाची शब्द, इसमें कोई यंग वंग वाली बात नहीं है, और दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत यंग वंग जिनको होते हैं ऐसे शब्द, इन शब्दों को स्त्रीलिंगवाची उनको गित प्रत्यय के परे रहते हैं, क्या होता है नसी नस और गी और गे, इन चार प्रत्ययों के परे रहते क्या हो जाती है विकल्प से नदी संज्ञा हो जाती है। उदाहरण आपको यहां देते हैं ठीक है, चलिए होने चाहिए स्त्रीलिंग चाहे ह्रस्वकारांत चाहे दीर्घकारांत होना चाहिए। अब आता है मित्रों घी संज्ञा, शेषो घ्य सखी, ये क्या है घी संज्ञा करता है, तो नदी संज्ञा का प्रकरण समाप्त हो गया। घी संज्ञा, घी संज्ञा किसकी होती है, घी संज्ञा कहा कि शेष की घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़ करके, असखी माने सखी शब्द को छोड़ करके शेष शब्दों की घी संज्ञा होती है। तो प्रश्न होता है कि शेष शब्द कौन से है, क्या शेष शब्द कौन से है, तो इसका यहां उत्तर दिया कि ह्रस्व इवर्णांत माने ह्रस्व इवर्ण है, ई वर्ण है अंत में जिनके ह्रस्व ई, और ह्रस्व उवर्णांत शब्द रूप शब्द माने ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत जो स्त्री लिंग वाची नहीं है, अर्थात नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग में अथवा पुल्लिंग में है, ऐसे क्या ठीक है, और जो कहते हैं कि ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत है और स्त्रीलिंगवाची है, परंतु क्या है जब उनकी नदी संज्ञा का निषेध किया है, ऊपर ह्रस्व ह्रस्व इकारांत और उकारांत की भी नदी संज्ञा कर दी थी स्त्रीलिंगवाची की, तो जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं होती है उस पक्ष में उनकी क्या हो जाती है घी संज्ञा हो जाती है, और ह्रस्व इकारांत और उकारांत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की तो नित्य ही घी संज्ञा हो जाती है, ये घी संज्ञा वाला सूत्र है ठीक है। चलिएगा आइएगा आगे है पति ही समास, ये कहता है कि जो पति शब्द है इसको घी संज्ञा होती है, कब होती है, कहते हैं समास में ही होती है, जब ये समास में वर्तमान में समस्त समास किसी के साथ में होता है तब ही इसकी नदी से घी संज्ञा होती है, अन्य अकेले की नहीं होती है। उदाहरण यहां दे दिए ठीक है, अकेले पति शब्द की क्या है ऊपर वाले सूत्र से घी संज्ञा प्राप्त थी वो नहीं होती है, इसने नियम बना दिया ये नियम सूत्र हो। आइएगा षष्ठी युक्त छंद शिवा, ये ऊपर ये छंद विषय सूत्र है कि छंद में तो वेद विषय में तो क्या होता है जो पति शब्द है, क्या पति शब्द, पति शब्द के ऊपर क्या कर दिया नियम बना दिया कि समास में ही उसकी घी संज्ञा होती है अन्यत्र अकेले की नहीं होती है। इसने कहा कि छंद में यदि पति शब्द अकेला हो परंतु वो किसी षष्ठी विभक्त्यंत के साथ उसका संबंध लग रहा हो तो उसकी विकल्प से घी संज्ञा हो जाती है ठीक है, जैसे ये षष्ठी कुलंचानाम पतये नमः, तो यहाँ षष्ठ्यंत है इसका, इसके साथ संबंध अकेले की भी नदी घी संज्ञा हो गई है और घी संज्ञा के कार्य हो गए हैं जो हमने समझा दिया आपको, ऐसे यहाँ पर नहीं हुई है तो ये हो गया आपका ठीक है, तो विकल्प से इसकी घी संज्ञा हो जाती है वेद विषय में केवल। चल ये आपका घी संज्ञा भी कंप्लीट हो गई ठीक है, ध्यान दीजिएगा
अब आपको क्या करना है, ये साथ साथ में ध्यान रखना है कि नदी संज्ञा यदि आपको जाननी है कि नदी संज्ञा किन किन की होती है, तो आपको यहीं पर आना होगा, इसी प्रकरण में आना होगा यहाँ, और कहीं नहीं आपको ढूंढना, ठीक है। और आपको घी संज्ञा को जानना है, घी संज्ञा किसकी होती है, तो आपको ये दो तीन तीन सूत्र हैं, इनमें आपको देखना आइएगा। अब ये आती है हमारी एक आगे और नई संज्ञा, लघु संज्ञा, ह्रस्वम लघु। ये कहता है कि ह्रस्व माने एकमात्र जो वर्ण होता है उसकी व्याकरण में एक नाम और रख दिया, लघु, लघु नाम रख दिया, ठीक है। आगे संयोगे गुरु, संयोगे गुरु, ये कहता है कि जो ऊपर वाला यदि ह्रस्व वर्ण है एकमात्र, यदि उसके बाद में संयोग संज्ञक वर्ण परे हैं, तो उस ह्रस्व की क्या हो जाती है, बोलो गुरु संज्ञा, क्या हो जाती है, बोलो गुरु संज्ञा, तब उसकी लघु संज्ञा। माने ये दो संज्ञाएं एक साथ नहीं होंगी, यदि लघु संज्ञा और गुरु संज्ञा दोनों प्राप्त हैं, तो कौन सी संज्ञा होगी, गुरु संज्ञा होगी, संयोग परे रहते हैं, गुरु संज्ञा होती है, लघु संज्ञा नहीं होती है उस समय, ठीक है। तो आकड़ारा देखा संज्ञा से ए नियम से एक ही संज्ञा होगी, ठीक है। तो संयोग परे रहने पर ह्रस्व की गुरु संज्ञा हो जाती है। चलिए दीर्घम च, ये कहता है कि जो दीर्घ वर्ण है, जो दीर्घ स्वर है, उनकी भी गुरु संज्ञा हो जाती है, बेशक संयोग ना हो तो भी, संयोग ना हो तो भी उसकी क्या हो जाती है, गुरु संज्ञा हो जाती है, दीर्घ वर्ण गुरु संज्ञक होते हैं। अब आपको लघु संज्ञा और गुरु संज्ञा जाननी है, तो आप यहीं पर आइएगा, कहीं मत भटकिएगा, आप इन तीन सूत्रों से ही समझ जाएंगे। चलिए आइए, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंग, ये लिख करिएगा संज्ञा शॉर्टकट में आप। ये क्या है, अंग संज्ञा विधायक सूत्र है। अंग संज्ञा किसकी होती है, ये विस्तार से मैंने पढ़ाया था आपको, मतलब दो कक्षाओं में पढ़ाया ये सूत्र आपको, दो या ऐसा तीन में पढ़ाया था। कहते हैं जिस प्रातिपदिक से अथवा जिस धातु से प्रत्यय का विधान किया जाता है, तो जिससे किया जाता है उस धातु या प्रातिपदिक का जो आदि वर्ण होता है, वो आदि वर्ण जिस समुदाय के आदि में होता है आदि वर्ण, तो पूरे समुदाय की उसी प्रत्यय, जिस जो प्रत्यय किया गया उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व के समुदाय की पूरे की क्या हो जाती है जी, अंग संज्ञा। ये इसका सरल सा अर्थ है पूरा, ठीक है। चलिएगा सुप्तिगंतम पदम, सभी संज्ञाएं हैं, ये भी संज्ञा सूत्र है। सुप्तिगंतम पदम, ये पद संज्ञा करता है। ये कहता है सुप जिसके अंत में सुप 21 प्रत्यय, सु औजस अम औषस ताभ्याम भिस ने भ्याम भ्यस नसी भ्याम भ्यस नस ओस आम गी ओ सुप, ये 21 प्रत्यय हैं जिनके अंत में वो सभी शब्द, और तिंग 18 तिंग हैं, इप तस जी सित थस था मिप वस मस ता आताम झ खास आथम ध्वम और इट वही महीन। ये जो 18 प्रत्यय जिनके अंत में आ जाए, उन सभी शब्दों की क्या हो जाती है, बोलो पद संज्ञा, उनको पद संज्ञा होती है, सरल है। चलिएगा आगे आ जाइए, और कहते हैं पद संज्ञा और किसकी होती है, तो कहते हैं नह के, माने के माने क्यच क्यंग और क्यश, इन तीन प्रत्ययों के परे रहते जो नांत नकारांत शब्द रूप होते हैं, उनकी भी पद संज्ञा हो जाती है, बस पद संज्ञा इनकी और हो जाती है, जब उनके पद संज्ञा के अपने काम हो जाते हैं। से तीचा, ये भी पद संज्ञा करता है। ये कहता है कि कोई यदि सित प्रत्यय अर्थात जिस प्रत्यय के सकार की इक संज्ञा हुई है, तो ऐसे सित प्रत्यय के परे रहते पूर्व की क्या हो जाती है, पद संज्ञा हो जाती है, बस नकारांत वकारांत कुछ भी नहीं इसमें,
बस कोई भी शब्द है सित प्रत्यय परे है तो उसके पूर्व में जो शब्द है उसकी पदसंज्ञा हो जाती है। ठीक है, ये उदाहरण दिए हैं भवदीय ऊणायु, आपको सभी मैंने सिद्धियां कराती है। और कहां होती है, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, क्या स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, ये विशेष सूत्र है पदसंज्ञा करने का, ध्यान दीजिएगा। ये कहता है स्वादी सर्वनाम स्थान भिन्न, माने सर्वनाम स्थान संज्ञा जिनकी हुई है उनको छोड़ करके मुख्य रूप से पांच प्रत्ययों की हुई है, सु औ जस अम आउट, नपुंसक लिंग में शस और जस और शस की भी हो जाती है। इनको छोड़ करके सु माने चौथे अध्याय के पहले से लेकर के, ठीक है, सु से लेकर के पांचवें अध्याय के अंत तक के जो प्रत्यय हैं उनमें कुछ प्रत्ययों को छोड़ करके, माने यकारादि और आजादी प्रत्ययों को छोड़ करके बाकी के सभी प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की क्या हो जाती है, पद संज्ञा हो जाती है। राजभ्याम राज भी आदि इनके परे रहते पूर्व की क्या हो जाती है, बोलो पद संज्ञा। इतना ही तो, सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्यय के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा हो जाती है। अब कहते हैं इसमें स्वादियों में जो अब एक नई संज्ञा आ रही है भसंज्ञा, क्या भसंज्ञा, भम भम का अर्थ है भसंज्ञा। यदि स्वादियों में यकारादि और आजादी प्रत्यय है कोई, सर्वनाम स्थान भिन्न आजादी और यकारादि प्रत्यय है तो उनके परे रहते क्या होती है, पूर्व की पद संज्ञा नहीं होती है, भसंज्ञा हो जाती है। चलिएगा भसंज्ञा भी समझ में आ गई आपको। अब आपको पदसंज्ञा कभी भी देखनी हो तो आप इन्हीं सूत्रों में यहां से लेकर के यहां तक के सूत्रों का अवलोकन कीजिएगा, पदसंज्ञा इन्हीं सूत्रों से की है और कहीं नहीं की। भसंज्ञा का ये पहला सूत्र है, आगे और बता रहे हैं भसंज्ञा कहां होती है, तसौ मत्वर्थे, तसौ मत्वर्थे। ये कहते हैं मत्वर्थ माने जो मत प्रत्यय उसके अर्थ में विहित जो तकारांत और सकारांत, क्या तकारांत और सकारांत जो शब्द होते हैं उनसे मत्वर्थ में माने मत्व के अर्थ वाले जो प्रत्यय हैं, ठीक है, यदि वो प्रत्यय परे हैं तो पूर्व की क्या हो जाती है, भसंज्ञा हो जाती है। पद संज्ञा प्राप्त थी तो क्या कर दी, भसंज्ञा कर दी। जैसे तकारांत विद्युतवान तो यहां मतु प्रत्यय कर दिया विद्युत शब्द से, ठीक है, उदश्वितवान यहां पर कर दिया मतु, ठीक है, सकारांत से यशस से विन प्रत्यय कर दिया, यहां कर दिया ये पयस तपस ये सकारांत है तो इनकी क्या कर दी, पद संज्ञा कर दी पूर्व की, हाँ भसंज्ञा कर दी इनकी। तो भसंज्ञा मुख्य रूप से भसंज्ञा के ये दो सूत्र हैं, यची भम और तसौ मत्वर्थे, और कहीं अन्यत्र सूत्र नहीं है। चलिएगा आइएगा और देखिएगा, अयस्मयादीनि छन्दसि, कहते हैं कि ये छंद विषयक सूत्र है, जो अयस्मयादि एक शब्दों का समूह है जो मैंने आपको पढ़ाते समय सभी शब्द दिखा दिए हैं, उन शब्दों की क्या होती है, जरूरत पड़ने पर भसंज्ञा भी कर लेते हैं पद संज्ञा भी कर लेते हैं, अर्थात जैसा छंद के अंदर शब्द है वैसा ही सिद्ध करने के लिए भसंज्ञा भी हो जाती है और पद संज्ञा भी हो जाती है एक ही निमित्त से, ठीक है, एक ही निमित्त से ये दोनों संज्ञाएं कर देता है। चलिए ये आपकी हो गई भसंज्ञा खत्म, पद संज्ञा समाप्त हो गई। अब है आपका ये बहुशु बहुवचनम, ये कहता है कि यदि बहुत दो से अधिक वस्तुओं को बताने की किसी वक्ता की इच्छा है किसी शब्द से तो उस शब्द से बहुवचन संज्ञक प्रत्यय आता है, जिसकी बहुवचन संज्ञा की है माने जस शस आदि प्रत्यय हैं, झी आदि प्रत्यय, वो प्रत्यय आते हैं,
बस इतना ही है इसका। चलिएगा। और कहते हैं आगे है, द्वे कयोर द्विवचनई कवचने, यदि दो की कहने दो दो वस्तुओं को कहने की इच्छा है तो कहते हैं द्विवचन संज्ञक प्रत्यय आता है, और एक वस्तु को कहने की इच्छा है तो एक वचन संज्ञक प्रत्यय आता है। ये सामान्य से व्यवस्था बना दी, नियम बना दी। ठीक, चलिए ये दो सूत्र याद रखिएगा, बार बार लगेंगे। ये हो गया आपका। अब चलेगा हमारा कारक प्रकरण। कारक प्रकरण कभी भी आपको जानना हो कि कौन सा कारक, किसका किस किस की अपादान संज्ञा होती है, किस किस की संप्रदान संज्ञा होती है, किस किस की कर्ता संज्ञा होती है, ये सारा आपको जानना हो तो यहीं पर आप जानिएगा, अन्यत्र मत भटकिए। आइए देखिए, कारके ये क्या है, अधिकार सूत्र है। ये आगे अधिकार करेगा कि जो भी आगे कहेंगे वो क्या होता जाएगा, कारक। कारक क्या है, कारक का अर्थ है क्रिया का निमित्त। क्या, क्रिया का निमित्त, माने क्रिया में जो सीधा सीधा निमित्त बनता है उसकी ही आगे आगे कर्ता अपादान और ये सारी संज्ञाएं होंगी। ये क्या है, अधिकार सूत्र, आगे इसको बताएंगे। चलिएगा, इतना ही बहुत। कहते हैं ध्रुवम अपाये पादानम, ध्रुवम अपाये पादानम, ये अपादान सा कारक, अपादान संज्ञा करता, ये संज्ञा सूत्र है और कारक ऊपर से आ रहा है। ये कहता है कि जब क्या दो वस्तुओं में पृथककरण की क्रिया होती हो, अलग अलग होने की क्रिया होती हो, तो उस पृथककरण की क्रिया में जो अपने स्थान पर स्थित रहता है, स्थान पर अपने स्थान पर पूर्व के समान स्थित रहता है, उसकी ही क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है, वो अपादान कारक बन जाता है। फिर अपादान कारक में होने से क्या, अपादानी पंचमी, आगे पढ़ेंगे अपादान कारक में पंचमी होती है। तो ये मुख्य रूप से अपादान संज्ञा करता है, अपादान कारक बनाता है। भीत्रार्थानां भय हेतु हो, ये कहते हैं अपादान संज्ञा और किसकी होती है, कहते हैं कि भय और रक्षा करने के अर्थ वाली जो धातुएं हैं, उन धातुओं के जो भय का हेतु है, माने रक्षा किससे किया जाए, रक्षा करने में जिससे भय है, और मान डर रहा है जिससे डर रहा है, तो भय का जो हेतु है रक्षार्थक धातुओं के प्रति और भयार्थक धातुओं के प्रति, उनकी क्या हो जाती है, उसकी भय के हेतु की अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे चोरे भ्यो विवेति, चोरों से डरता है, डरने का कारण क्या है, चोर है। ठीक, चोरे भ्यस्त्रायते, चोरों से रक्षा करता है, रक्षा कर किससे की जा रही है, किसके भय से, चोरों के भय से। चलिए आगे कहते हैं कि अपादान संज्ञा और किसकी होती है, पराजय रसोढ़ कि जब कोई परापूर्वक, क्या है, परापूर्वक जी धातु, ठीक है, जी धातु का आप प्रयोग करेंगे और तब उसमें जो सहन करने योग्य नहीं है, जिसको सहन नहीं करता कोई, ठीक है, पलायन कर जाता है, तो उसकी क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे अध्ययनात् पराजयति, माने अध्ययन से दूर भाग जाता है, पढ़ाई से, भाई मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई का जो बोझ है वो सहन नहीं कर पाता। ठीक है, चलिएगा। तो ये हो गया यहाँ पर पराजयति, अध्ययनात् की क्या हो गई, अध्ययन की अपादान संज्ञा। वारणार्थानामीप्सिताः, कहते हैं वारणार्थानाम, माने वारण माने हटाने के अर्थ वाली जो धातुएं हैं, उन धातुओं में, ठीक है,
जिससे हटाया जा रहा है, है? जिससे हटाया जाता है, जिससे जहां से उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे यवेभ्यो गाम वारयति, माने जौ से गाय को हटाता है, तो जौ से क्या है, गाय को हटाता है, जौ की यव की क्या हो गई, अपादान संज्ञा हो गई, ठीक है। तो ये हो गया ईप्सित पदार्थ, माने जिसको हमें इष्ट है जो, तो यहाँ पर क्या है, जौ बचाने, जौ चाहता है कि जौ हमारी बिगड़ ना जाए, गाय ना खा जाए। चलिएगा ये सभी अब केवल आपको आवृत्ति करा रहे हैं। अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति, ये कहता है कि व्यवधान, माने कोई ऐसा सोचता है कि इसके कारण से व्यवधान उपस्थित, माने अंतर्धौ माने व्यवधान निमित्तम, व्यवधान का जो निमित्त, कोई व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा है और उसको ऐसा लगता है कि इससे इस क्रिया में व्यवधान हो जाएगा, तो वो व्यवधान का निमित्त हो गया, वो जो जो व्यवधान करेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि और व्यवधान का निमित्त होने पर जो क्रिया का जो करता है वो अपने आप को अदर्शनम इच्छति, माने अपने आप को अदर्शन चाहता है कि ये मुझे कोई देख ना ले। चोर चोरी करता है तब वो दूसरे लोगों को देखता रहता है कि वो लोग मुझे देख ना लें, है? देख ना लें, नहीं तो मेरी चोरी करने में व्यवधान पड़ जाएगा। तो जिनसे वो अदर्शन चाहता है उनकी क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा। जैसे उपाध्यायात अंतर्धत्ते, जो छात्र है कहीं जा रहा है खेलने कूदने के लिए, तो उपाध्याय उधर से आ रहे हैं गुरुजी, तो उपाध्याय माने वो सोच रहा है गुरुजी ने देख लिया मुझे तो मेरे को रोक देंगे, मेरा खेलने में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, तो छुप जाता है, नीचे बैठ जाता है, ऐसे मैं तो नहीं बैठा, ऐसे बैठ जाता है और गुरुजी निकल जाए, फिर बाद में जाएंगे। तो गुरुजी से वो अपने आप को अदर्शन चाहता है, छिपाना चाहता है, इसलिए उपाध्याय की अपादान संज्ञा हो जाती है। बस इतना ही इसका अर्थ। चलिए आख्यातोपयोगे, कहते हैं आख्यातोपयोगे माने कहते हैं नियम पूर्वक जिससे पढ़ा जाता है, तो जिससे पढ़ा जाता है उसकी भी अपादान संज्ञा हो जाती है। उपाध्यायात अधीते, माने उपाध्याय से गुरु जी से नियमित रूप से पढ़ता है, ऐसे आगे। चलिए जन कर्तो हो प्रकृति ही, ये कहते हैं जन धातु का जो कर्ता, ठीक है, जन धातु का जो कर्ता, उस कर्ता की जो प्रकृति, प्रकृति माने उसका जो उपादान कारण, उसकी क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा हो जाती है। जैसे शिंगात शरो जायते, जन धातु है ये जायते, इसका कर्ता कौन है, ये है शर, शर उत्पन्न होता है माने तीर बनता है, और इस ये तीर बनता है, इसका उपादान कारण क्या है, कहां से कैसे बना, किस स्था है, किस पदार्थ से बनता है, तो है शिंग से बनता है, तो शिंगात ये क्या हो गया, प्रकृति हो गई इस शर की, तो शिंग की क्या हो गई, अपादान संज्ञा होने से पंचमी हो गई, अपादान संज्ञा हो गई शिंग की, ठीक। चलिएगा ध्यान रखेंगे, जाने करतु प्रकृति, मैंने इसमें कुछ विशेष बताया है, वहां पर वो विशेष आपको वहीं समझ में आएगा, थोड़ा विस्तार से मैंने आपको बताया, ठीक है। भोबाहा प्रभावाहा, ये कहता है कि भू धातु, भू धातु का जो कर्ता, माने भू धातु का जो कर्ता, उस कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान, उस उत्पत्ति स्थान की क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा, वो अपादान कारक हो जाता है। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती, प्रभवती, तो यहाँ क्या भू धातु है, तो इसका कर्ता कौन है, गंगा, गंगा का उत्पत्ति स्थान क्या है, हिमालय, तो यहाँ हिमवत में हिमवत की क्या हो गई, अपादान संज्ञा हो गई, अपादान संज्ञा होने से पंचमी हो जाती है, हिमवतो गंगा।
ऐसे कश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवति, तो प्रभवति का कर्ता कौन है? वितस्ता नदी। इस नदी का उत्पत्ति स्थान क्या है? कश्मीर देश, वहां से ये निकलती है, तो इसकी अपादान संज्ञा हो गई। चलिए, ये अपादान संज्ञा का पूरा प्रकरण मैंने बना दिया, आपको बता दिया। अपादान संज्ञा आपको जाननी हो तो इन्हीं सूत्रों में देखना, अन्यत्र मत देखना, ठीक है? अन्यत्र कहीं नहीं। अब अष्टाध्यायी क्रम में अपादान संज्ञा के बाद आती है संप्रदान संज्ञा, है? संप्रदान संज्ञा, इसके लिए सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रायिति स संप्रदान, ठीक है? इसका अर्थ मैंने विस्तार से आपको समझाया है, बस यहां पर यह समझ लीजिएगा, कोई व्यक्ति किसी चीज को देकर के अपने लक्ष्य को साधता है, तो जिसके द्वारा, जिस वस्तु को देकर के, जिसके लिए दे करके, हैं, जिस वस्तु को जिसके लिए दे करके, तो जिसके लिए देता है उसकी क्या हो जाती है? संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे उपाध्याय गाम ददाती, गुरुजी को गाय देता है, गाय इसलिए देता है कि गुरुजी मेरे बालक को पढ़ा देंगे अथवा मेरे को उपदेश कर देंगे, इसलिए गाय देता है। वो अपने अपना जो अभिप्राय है उसको सिद्ध करना चाहता है। यदि उसको मालूम हो कि गुरुजी को मैं गाय दे दूंगा पढ़ाएंगे नहीं, तो वो गुरुजी को गाय कभी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, वो तो गुरुजी को फटकार देगा, जाओ गुरुजी यहाँ से, क्या काम, कुछ किसी काम धंधे के नहीं यहाँ पे आ जाते हैं, है? ठीक है, तो क्या है, गुरुजी को गाय देता है कोई व्यक्ति, तो वो अपने अभिप्राय की सिद्धि करने के लिए क्या है, गाय को किसको देता है? गुरुजी को देता है। जिसके लिए देता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। संप्रदान संज्ञा हो जाने से चतुर्थी, संप्रदाने से संप्रदान में चतुर्थी हो जाती है। तो उपाध्याय गाम ददाती, माणवकाय भिक्षाम ददाती, ऐसे ही ये दोनों उदाहरण है। तो माणवक की और उपाध्याय की क्या हो गई? अपादान संज्ञा हो गई। चलिएगा आगे, रुच्यर्थानां प्रियमाणः, संप्रदान संज्ञा का ये भी है। कहते हैं कि जो रुच अच्छे लगने के अर्थ वाली जो धातुएं हैं, ठीक है, उन धातुओं के प्रयोग में जो वस्तु, हाँ, जो जो वस्तु होती है वह वस्तु जिसको अच्छी लगती है, क्या, जिसको अच्छी लगती है, तो उसकी ही क्या हो जाती है? संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे देवदत्ताय रोचते मोदकाः, यहाँ लड्डू है, लड्डू किसको अच्छा लगता है? देवदत्त को, तो देवदत्त की क्या हो गई? बोलो, संप्रदान संज्ञा। तो संप्रदान होने से चतुर्थी हो गई है, ठीक है। इसी प्रकार से यज्ञदत्ताय स्वदते पूपः, आइए और देखिएगा, और कहते हैं श्लाघ हुंस्थास शपाम जीप्यमानः, ये कहते हैं कि श्लाघ धातु है, हुनुम धातु है, स्था है, शप धातु है, ठीक है। तो इन धातुओं के प्रयोग में, ठीक है, इन धातुओं का जब प्रयोग करेंगे तो जो जनाए जाने की इच्छा वाला है, क्या है, अर्थात किसी की प्रशंसा की जा रही है उसको बताने के लिए कि मैं तुम्हारा प्रशंसक हूं, तुम इस बात को समझो, है? तो जिसकी, जिसको जनाए जाने की, माने जिसको बताए जाने के लिए जिसकी प्रशंसा की जा रही है कि इसको मालूम तो हो जाए मैं इसकी प्रशंसा करता हूं या निंदा करता हूं, तो जिसकी प्रशंसा और निंदा की जाती है उसकी क्या हो जाती है? बोलो, संप्रदान संज्ञा। जैसे देवदत्ता है श्लाघते, देवदत्ता है हुनुते, देवदत्ता है तिष्ठते, देवदत्ता है शपते। देवदत्त की, देवदत्त को बताने की, जनाने के लिए ही उसकी प्रशंसा करता है, उसकी निंदा करता है, उसको गाली देता, अपशब्द कहता है कि दुष्ट, मैं तेरे को ही गाली दे रहा हूं, तू सुन, जान, ठीक है। तो उसकी भी इन धातुओं के प्रयोग होने पर संप्रदान संज्ञा हो जाती है।
चलिएगा। धारेर उत्तम अरण, हाँ ये भी संप्रदान संज्ञा करता, ध्यान दिए जहां जहां संप्रदान संज्ञा होगी जिस जिसकी उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, और जिस जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी हो जाती है। ये नियम आगे हम सूत्र पढ़ेंगे और पढ़ाते समय मैंने पढ़ा दिए है। ठीक है, धारेर उत्तम अरण, हाँ जो धारी धातु है, ठीक है, वह धृ धातु से जब निच आ जाता है धारी बन जाता है, तो वो धातु का प्रयोग करेंगे धारी का, तो जो ऋण देने वाला है, क्या है, जो ऋण देने वाला व्यक्ति है, उत्तम ऋण, उत्तम ऋण का अर्थ होता है ऋणदाता, उस व्यक्ति की क्या हो जाती है अपादान से, वो संप्रदान से, या संप्रदान होने चतुर्थी है। देवदत्ताय शतम धारयति यज्ञदत्ता, मन यज्ञदत्त के ऊपर देवदत्त के 100 रुपए हैं, ये इसका अर्थ है। तो यज्ञ देवदत्त क्या है, देवदत्त ने ऋण दिया है यज्ञदत्त को 100 रुपए, तो ये उत्तम ऋण हो गया, इसकी संप्रदान संज्ञा हो गई। आइए इस प्रहेरीप्सिता, स्पृहरीप्सिता ये कहता है कि स्पृह धातु का, ठीक है, स्पृह धातु के प्रयोग होने पर जो ईप्सित पदार्थ होता है जिसको चाहा जाता है, है? उसकी क्या हो जाती है संप्रदान संज्ञा, और उसमें चतुर्थी हो जाती है। पुष्पेभ्य स्पृहयति, माने फूलों को चाहता है, फलेभ्य स्पृहयति, फलों को चाहता है। चलिए आगे सूत्र है संप्रदान संज्ञा का, क्रोध द्रोहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, ये कहता है कि क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया ये धातुएं और इनके अर्थ वाली पर्यायवाची धातुएं, ठीक है, इनका प्रयोग होने पर वाक्य में जिसके ऊपर कोप जाहिर होता हो, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, माने जिसके प्रति गुस्सा जाहिर किया जाता है, उसकी क्या हो जाती है संप्रदान संज्ञा। इन सभी धातुओं में ये कहा कि जिसके ऊपर कोप, अर्थात इन सभी, ये सारी चीजें तभी होती हैं जब हमारे अंदर किसी के प्रति कोप आता है, गुस्सा आता है, तो ये है। जैसे देवदत्ताय क्रुद्यति, देवदत्ताय द्रुहयति, देवदत्ताय ईर्ष्यति, देवदत्ताय असूयति, तो सब जगह क्या हो गई, देवदत्त की संप्रदान संज्ञा हो गई, चतुर्थी हो गई। आइएगा, कहते हैं क्रोध द्रोहोरुपशिष्टयो कर्म, ये ऊपर वाले सूत्र का अपवाद सूत्र है, क्या सूत्र है बोलो, अपवाद सूत्र। ये कहता है कि जो क्रोध धातु है, द्रोह धातु है, यदि ये उपसर्ग पूर्वक प्रयोग करेंगे इनका, तो जिसके ऊपर क्रोध किया जाएगा उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, उसकी क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाती है, बस इतना ही कहता है। जैसे देवदत्तम अभिक्रुध्यति, देवदत्तम अभिद्रोहयति, तो यहाँ अभी उपसर्ग लगा दिया, तो इसलिए इसकी क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई, द्वितीया हो गई, ठीक है। चलिए आगे, राधिक्षौर्यस्य विप्रश्नः, कहते हैं कि जिसके बारे में, जिसके बारे में विविध प्रकार के प्रश्न हो रहे हों, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है राध और ईक्ष धातु के प्रयोग होने पर। सरल अर्थ है, जैसे देवदत्ताय राध्यति, माने देवदत्त के बारे में, देवदत्त के विषय में पूछे जाने पर उसके भाग्य का पर्यावरण विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न करता है, उसके बारे में बातें बताता है, ठीक है। ऐसे देवदत्ता ईक्षते, देवदत्त के वही है, देवदत्त के विषय में पूछे जाने पर उसके भाग्य का पर्यालोचन करता है, तो देवदत्त की क्या हो गई, यहाँ पर
संप्रदान संज्ञा चतुर्थी कर दो। चलिएगा संप्रदान संज्ञा का और भी कुछ सूत्र है, आइएगा देख लेते हैं सरल। प्रत्यांग्याम शुभ पूर्वस्य कर्ता, ये कहता है प्रतिपूर्वक आंग पूर्वक जो शु धातु है उसका प्रयोग होने पर कहते हैं कि जो पूर्व का कर्ता है, ठीक है, अर्थात प्रतिपूर्वक शु धातु है, इसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। क्या आंग पूर्वक शु धातु का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है, कुछ देने की प्रतिज्ञा करता है, कब करता है, जब कोई व्यक्ति उससे कुछ मांगता है, याचना करता है, याचना करता है। तो क्या है, तो वही का प्रत्यांग भाम श्रा पूर्व से करता, पूर्व से करता माने पहले किसी ने कुछ याचना की वो याचना क्रिया का कर्ता, फिर बाद में दूसरे ने प्रतिज्ञा की, तो जो पहले वाला जो करता है जो कुछ मांग रहा है उस कर्ता की क्या हो जाती है, इन दोनों उपसर्ग पूर्व शु धातु के प्रयोग में उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे यज्ञदत्ता देवदत्ता यगाम प्रतिश्णोति, यज्ञदत्त देवदत्त के लिए गाय देने की प्रतिज्ञा करता है, कब करता है, पहले देवदत्त ने यज्ञदत्त को कहा यज्ञदत्त भाई थोड़ी गाय दे दो, गाय दे दो हमारे घर भी दूध हो जाएगा, तो यज्ञदत्त ने कहा ठीक है भाई तुम मेरे मित्र हो मैं तुमको गाय देने की प्रतिज्ञा करता हूं। तो पहले मांगने वाला कर्ता कौन था, देवदत्त, देवदत्त की क्या हो गई संप्रदान संज्ञा चतुर्थी हो गई, ऐसा ही आगे है ये, ठीक है, देवदत्त है गाम आश्रोत। चलिएगा संप्रदान संज्ञा, संप्रदान संज्ञा का एक सूत्र और है, इसको और देख लीजिए, अनुप्रतिग्रणश्च, ये कहता है अनु और प्रतिपूर्वक जो ग्री धातु है, ग्री, ठीक है, उस धातु उसके कहते हैं कि पूर्व का कर्ता, यहां पर भी ये पूर्व का कर्ता पहले की तरह, तो पूर्व का कर्ता होता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे होत्रे अनुग्रणाति, होत्रे प्रतिग्रणाति, माने कोई पहले मंत्र उच्चारण कर रहा है तो उसको ही जो उद्गाता आदि है वो उसको प्रेरित कर रहा है होता, ठीक है, तो ये मुख्य रूप से वैदिक कर्मकांड का है, अधिक प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर गुरुजी ने लिख भी दिया है कि होता को प्रोत्साहित करने के लिए अध्वर्यु मंत्र बोलता है, पहले वो करता है जो होता है वो मंत्र उच्चारण कर रहा है, परंतु जो अध्वर्यु वो चाहता है कि और अच्छी तरह तेजी से करे तो वो भी उसको थोड़ा प्रेरणा देता है, भाई बोल बोल जल्दी बोल, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपूर्वक गृह और प्रतिपूर्वक अनु और प्रतिपूर्वक गृह धातु के प्रयोग में भी उसकी हो जाती है, अर्थात संप्रदान संज्ञा होता के होने से चतुर्थी हो गई। अब आपको संप्रदान संज्ञा पूरी जाननी हो तो आप इन्हीं सूत्रों को देखना, अन्यत्र मत देखना। आइएगा आगे है साधकतमम, साधकतमम कारणम, ये कर्ण कर्ण कारक संज्ञा करने वाला, कर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये कहता है कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक कर्ता के लिए सहायक होता है, ठीक है, उसकी कर्ण संज्ञा होती है, बस एक सीधा मोटा सा अर्थ है। जैसे दात्रेण अनुनाती, जो दराती से काटता है, काटना क्रिया तभी हो सकती है, दराती होगी तब, तो काटने की क्रिया में सबसे अधिक सहायक कौन है, दराती। ऐसी ये परशुना छिन्नति, तो जो जिसकी कर्ण संज्ञा होती है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है, कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया हो जाती है, ये ध्यान रखिए।
आगे कहते हैं दिवाह कर्म च, ये कहता है कि दिव धातु है, दिव धातु का जो यदि जो करण है जो सबसे अधिक साधक है उसकी करण संज्ञा भी होती है कर्म संज्ञा भी होती है, तो करण संज्ञा होने से तृतीय हो जाएगी, कर्म संज्ञा होने से द्वितीय हो जाएगी, तो अक्षान दिव्यति अक्षय दिव्यति। तो ये क्या है, ये दिव्यति माने जुआ खेलना, जुआ खेलना कब हो सकता है जब उसके पास पाशे होंगे, तो ये क्या है साधक, साधकतम हो गया ये, तो इसमें द्वितीय कर्म हो गई तो द्वितीय हो गई, ये कर्त कर्त करण हो गया तो तृतीय हो गई, ठीक है अक्षय। चलिए परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम, ये कहता है कि परिक्रयणे माने वेतन आदि के द्वारा माने सैलरी आदि के द्वारा किसी व्यक्ति को निश्चित समय के लिए खरीद लेना, अपने वश में कर लेना, ऐसा हो रहा हो तो क्या है जो माने जो कर्ण बनता है साधकतम कर्म से उसकी विकल्प करके क्या हो जाती है संप्रदान संज्ञा हो जाती है। संप्रदान संज्ञा हो जाने से क्या होता है, एक बार चतुर्थी हो जाएगी और पक्ष में जब कर्ण संज्ञा होगी तो तृतीया हो जाएगी। शताय परिकृतो अनुब्रूही शतेन पते परिकृतो अनुब्रूही, भाई 100 रुपए के द्वारा तुम खरीदे गए हो, बोलो अब क्या करोगे, अब भाग नहीं सकते, दोनों का अर्थ एक ही है। यहां पर शत और शत में यहां चतुर्थी हो गई संप्रदान हो गई, इसलिए यहां पर कर्ण संज्ञा है, तो ठीक है परिकृतावन खरीदने में ये क्या है 100 रुपये, 100 रुपये के द्वारा खरीदा गया अर्थात 100 रुपये है तभी तो खरीदा है उसने, खरीदा माने अपना उसने जॉब पर रखा है, तो यहां पर इसकी दोनों संज्ञाएं हो जाती हैं विकल्प करके, और करण संज्ञा भी हो जाती है, भोग हो जाती है। चलिएगा मित्रों कक्षा काफी बड़ी हो रही है तो आज ये होगा भी नहीं, तो अब आगे की कक्षा में देखेंगे, पूरा प्रयास करते हैं। तो आज मैंने आपको कौन कौन से मैंने कारक, हमने करण कारक तक कंप्लीट कर लिया है, आगे हम अधिकरण कारक माने अपादान कारक संप्रदान कारक और करण कारक, तीन कारक पूरे कर लिए हैं, बाकी के जो हमारे तीन कारक हैं वो आगे की कक्षा में हम कंप्लीट कर लेंगे, अधिकरण कारक कर्म कारक कर्ता कारक और आगे की जो शेष है उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिएगा ये अवलोकन मैंने आपको इसलिए कराया है कि आपने जो 50 कक्षाएं पीछे पढ़ी हैं उनका आप एक कक्षा में थोड़ा सा देख लें, ठीक है स्मरण आ जाइए, परीक्षा तैयारी करने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, परीक्षा तैयारी करने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। हाँ चलिएगा सर्वेभ्यो नमः।